नमस्कार, मैं SGKL DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा की हिंदी अध्यापिका नैना आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में संज्ञा और उसके विभिन्न भेदों के बारे में पढ़ा था। राम स्कूल जाता है, राम एक अच्छा बालक है, राम एक अच्छा खिलाड़ी है, यहां पर राम एक संज्ञा शब्द है, लेकिन बार बार जब हम राम का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे वाक्य रचना जो है नीरस लगती है। अब मैं राम की जगह अगर वह शब्द का प्रयोग करती हूं, वह एक अच्छा बालक है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, तो इस प्रकार मैंने राम की जगह पर किसका प्रयोग किया, वह शब्द का प्रयोग किया। तो संज्ञा के स्थान पर मैंने वह शब्द का प्रयोग किया, तो इस प्रकार हमें एक परिभाषा मिल जाती है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय भी क्या है, सर्वनाम व उसके भेद। तो आज आपको मैं सर्वनाम में उसके भेद करवाने जा रही हूं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। परिभाषा तो आपको पता ही चल रही है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार आपको पता चल गया, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप आदि। आइए अब जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के छह भेद हैं। नंबर एक, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर दो, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर तीन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर चार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर पांच, निजवाचक सर्वनाम। नंबर छह, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या श्रोता के, श्रोता मतलब सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक के भी आगे तीन भेद हैं, बोलने वाला,
सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति यानी तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पुरुषवाचक के यहाँ पर तीन भेद है, जैसे इंग्लिश में आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। नंबर एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर दो मध्यम पुरुषवाचक और नंबर तीन अन्य पुरुषवाचक। जब बोलने वाला अपने बारे में बात करता है उत्तम, उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। इसमें आते हैं मैं, हम, हमारा, मुझे। मध्यम पुरुषवाचक जब बोलने वाला सुनने वाले से, सामने जो पर्सन बात उसके उसके बारे में बात कर रहा है, जैसे तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुषवाचक जब बोलने वाला अथवा लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करता है, तो उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। जैसे वे, उन्होंने, उनका, उसे आदि। चलिए अब हम करते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। विशेष बात, बच्चों इसमें विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि जो चीज, जो वस्तु नजदीक है, जो स्थान नजदीक है, जो व्यक्ति नजदीक है, उसके लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं, समीप के लिए यह। और दूर के लिए, जो चीज दूर है, जो व्यक्ति दूर है, उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यह डस्टर मेरा है, अगर इसको हम दूर रखेंगे तो वह डस्टर मेरा है। इसी प्रकार यह बोर्ड सफेद है, अगर मैं दूर हो जाती हूं तो कहूंगी यह बोर्ड सफेद है। चलिए अब हम करते हैं इसका तीसरा भेद, सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई बाहर आया है, दूध में कुछ गिर गया है, अब इस वाक्य में कोई बाहर आया है, हमें ये तो पता है बाहर आया है, कौन आया है इसका बोध नहीं हो रहा। कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार दूध में कुछ गिर गया है, दूध में गिर गया है, क्या गिर गया है ये नहीं पता, कुछ गिर गया है, तो कुछ शब्द क्या है? निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा वो, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार कोई और कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाकी भेदों की हम जानकारी अपनी अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।